रतलाम जिले के ग्राम बागरोद में स्थित वर्षा पूर्णा वर्वरीक श्याम दरबार को भव्य तरीके से सजाया गया है। आकर्षण का यह केंद्र है। फागुन माह में यहाँ पर विशेष आयोजन किए जाते हैं। सुबह से ही भक्तों का जमावड़ा देखा गया तो वहीं ग्यारस पर बाबा की पालकी यात्रा भी निकाली गई। ढोल धमाकों के साथ में क्षेत्रभर के लोग घूमते हुए नजर आए हैं। बाबा की यहाँ पर भव्य पालकी यात्रा सजाई गई है जो आकर्षण का केंद्र भी रही है। यहाँ अगर देखा जाए तो पलहारी खिचड़ी का वितरण भी हुआ है और क्षेत्रभर के लोग इस कार्यक्रम में शामिल हैं। हजारों की संख्या में बाबा की शान में सभी लोग आ रहे हैं और चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो भजन संध्या का आयोजन भी किया गया है जहां सभी लोग आनंद लेते हुए नजर आए हैं। 70,000 से 75,000 लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और यहां अनेक व्यवस्थाएं देखने को मिली। मन्नत तो नहीं है, बाकी ये है कि बाबा का नाम रतलाम में और आसपास के क्षेत्रों में हो जाए और अधिक से अधिक लोग बांगरोद बरपोरिक बाबा जिनको खाटू श्याम के नाम से भी जानते हैं और कलयुग में कल्की अवतार हारे का सहारा, तो मेरी ये तमन्ना है कि मैं अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करूं कि रतलाम से यहाँ बांगरोद आए और जो लोग सीकर रिंगेस नहीं जा पा रहे हैं वो यहाँ पर दर्शन करके अपनी मनोकामना पूरी करें। मैं कह रहा हूँ 8-9 सालों को मेरे पास आते हैं, इतना अच्छा महसूस होता है जैसे ऐसा लगता है जैसे कि रूही के ऊपर चल रहा हूँ, बादलों में उड़ता हूँ मैं। ये बांगरोद गांव है रतलाम जिले का और बरबरीक मंदिर के नाम से यह प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है। आज यहाँ देखा गया है कि हजारों भक्तों की भीड़ लगी हुई है, क्या कारण? हम आज सुबह से देख रहे हैं कि कई प्रांतों से दूर दूर से भक्त लोग यहाँ बाबा के दर्शन करने आए और यहाँ एक बार जो बाबा के दर्शन करने आ जाता है वो हर बार हर 11 को बाबा के दर्शन करने आते हैं। यही कारण है कि आज सुबह से यहाँ ऐसी भीड़ लगी हुई है। लगभग कितने श्रद्धालुओं ने आज यहाँ पर दर्शन किए? यहाँ सुबह से अभी तक अनगिनत श्रद्धालु लगभग 50,000 के लगभग श्रद्धालु ने यहाँ सुबह अभी तक दर्शन कर लिए। यहाँ पर देखा गया सरपंच साहब प्रसादी वितरण हो रही है और सारा गांव यहां पर व्यवस्था में लगा हुआ है, मंदिर ये क्या है? ये बाबा का ही चमत्कार है कि बांगरोद गांव और इसके अलावा जो आसपास के जितने भी गांव है वो सब गांव वाले यहां सुबह से शाम तक व्यवस्था में लगे हुए हैं और आसपास के सभी गांव से यहां पे श्रद्धालु आए और व्यवस्था देख रहे हैं।